हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बात कर रहा हूँ, प्रोटोकॉल टेस्टिंग का रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जो भी लड़के अभी फ्रेशर्स हैं या जो अभी आरएफ से प्रोटोकॉल टेस्टिंग में आ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना होता है कि रियल टाइम में मैं वर्क कैसे करता हूँ, आपको क्या मेरा डिवाइस कैसे कनेक्टेड है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होता है, उनको इंटरव्यू में बताना पड़ता है। तो चलिए उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से जरूर इससे आपको बेनिफिट होगा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेनली आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके लिए बेस्ट होगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लैब सेटअप। आपसे यही पूछा जाता है, अगर आपको ये मालूम है कि लैब सेटअप मेरा किस तरह से होता है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप उसको एक्सप्लेन इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या करता हूँ मैं। अगर ड्राइव आपको ये बोला जाता है कि जीनोटबी का टेस्टिंग करना है या मोबाइल का टेस्टिंग करता हूँ मैं, ईवी टेस्टिंग करता हूँ, तो आप एक इस तरह से एक एग्जांपल दे सकते हैं कि मैं एक डीयूटी डिवाइस अंडर टेस्ट है, जो डिवाइस हम मेरा टेस्ट के अंदर में है इसको टेस्ट करना है हमको, और इस तरह से मेरा इन्वायरमेंट सेटअप है, लैब में मेरा सेटअप इस तरह से है। तो आप अगर टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, यूवी टेस्टिंग भी बोल रहे हैं, तो उसके लिए एक सिमुलेटर होता है जो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और एक आरएफ केबल के थ्रू आपका एंटीना यहाँ पे रहता है, यह शील्डेड बॉक्स में आपको कनेक्ट ये रहता है शील्डेड बॉक्स में, और यहाँ से इसी कनेक्टिविटी रहती है, ये डिवाइस अंडर टेस्ट है मोबाइल आपका, इसको पावर दिया जाता है, और यूएसबी केबल के थ्रू आपका टेस्ट पीसी यहाँ पे रहता है, और ये लैंड केबल से यहाँ से सिमुलेटर जो है वहां पे उसको कनेक्टिविटी रहती है। तो इसमें यही आपको एक्सप्लेन करना होता है कि मेरा लैब सेटअप इस तरह से है। तो इसमें सिमुलेटर जो पूछा जाता है कि आपका कौन सा सिमुलेटर यूज करते हो, तो सिमुलेटर बहुत सारे हैं, अगर ईवी टेस्टिंग मोबाइल टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारे सिमुलेटर होते हैं, जैसे एनाइट का है, एजिलेंट का है, आरएनडीएस का है, पांडा का है, अरिसू का है, तो बहुत सारे यूज है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं सिमुलेटर के लिए यूज करते हैं। तो आपसे यही एक तो क्वेश्चन जरूर एक पूछा जाता है कि आप कौन सा सिमुलेटर यूज करते हैं, तो आपको ये सिमुलेटर याद रखना पड़ेगा आपको, और किस तरह से कनेक्टेड कनेक्टेड होता है आपका सिमुलेटर, तो आप यहाँ से मेरा टेस्ट पीसी से लैंड केबल के थ्रू मेरा टेस्ट पीसी सिमुलेटर कनेक्ट रहता है, और जो डिवाइस अंडर टेस्ट है, जो इक्विपमेंट हमें टेस्ट करना है, वो आरएफ केबल के थ्रू यहाँ पे टेस्ट है, और उसकी कनेक्टिविटी यूएस केबल और मेरे पीसी से रहती है। ये क्लियर? तो इससे यही पूछा जाता है कौन कौन से डिवाइस अंडर टेस्ट है, डीयूटी हो गया आपका, टेस्ट पीसी आपका यहाँ पे रहेगा, उसके बाद लॉग व्यूअर्स आपको पूछेगा, ठीक है आपने लॉग कलेक्ट कर लिया, सॉरी आपने ये सेटअप कर दिया, आप कैसे लॉग कैसे कलेक्ट करते हैं, कहाँ से लॉग आप देखते हैं, तो एक कॉमन आप नोटपैड प्लस प्लस में भी देख सकते हैं, लॉग व्यूअर्स है, एनआईट लॉग व्यूअर्स है, और बहुत सारे लॉग व्यूअर हैं जहाँ पे हम लोग इसको देख के हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं, लॉग देख सकते हैं, तो बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन आप यह जनरली आप बोल सकते हैं एनआईट का लॉग व्यूअर और नोटपैड प्लस प्लस, ओके ये कॉमन है। रिपोर्टिंग टूल अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम मिलता है, उस समय प्रॉब्लम मिल रहा है तो उस समय क्या करेंगे, कौन सा डिबगिंग टूल्स है, कौन सा डिबगिंग टूल्स यूज करते हैं, रिपोर्टिंग टूल कौन सा आप यूज करते हैं। So, मैंने बताया कि रिपोर्टिंग टूल्स आपका जो होगा बगजिला है, जीरा है, ये जो रिपोर्टिंग टूल्स है मीन्स आपके रिपोर्ट करना होता है सॉफ्टवेयर, आपने मैं अगर मेरे पिछले वीडियोस में देखा हो तो एक डेवलपर्स को हम लोग अपडेट करते हैं, ये आपको रिपोर्टिंग टूल्स के बारे में ऑलरेडी आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कशन किया है, कनेक्शंस आप देखेंगे किस तरह से कनेक्टिविटी होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ओके तो ये आपके लिए एक लैब सेटअप किस तरह से होता है उसके लिए एक्सप्लेन। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा सिमुलेटर यूज सिमुलेट सिस्टम सिमुलेटर यू आर यूजिंग इन योर लैब, तो आप ये बोल सकते हैं एजिलाइट, आरएनडीएस है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो है डिफरेंट डिफरेंट सिमुलेटर टूल यूज करती है, तो उसका सिमुलेटर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट जो आपको थोड़ा बहुत भी मालूम है उसके बारे में उसको बोल सकते हैं। अब चिपसेट, अगर अब मैं यूवी टेस्टिंग की बात करूं तो यूवी टेस्टिंग में आपको चिपसेट को टेस्ट करना होता है, तो अगर यूवी टेस्टिंग का इंटरव्यू है तो आप चिपसेट प्रोसेसर का नाम बता सकते हैं, मीडिया टेक का चिपसेट है जो इसका नाम है MT6566 जो लेटेस्ट है, क्वालकॉम का चिपसेट है, जो इसके बारे में आप सभी बोल सकते हैं कि मैं इस पे वर्क करता हूँ, या कोई भी अगर लेटेस्ट चिपसेट आपको मालूम है तो उसका नाम बोल के आप इसको इंटरव्यू में यूवी टेस्टिंग के समय इसको बता सकते हैं। लॉग एनालिसिस टूल्स है जो नोटपैड प्लस प्लस में बोला, अदर एनआईट लॉग व्यूअर है, 3GPP डिकोडर है, आप लॉग एनालिसिस के लिए वायरशार्क भी यूज करते हैं, अगर पीकैप लॉग आपने कलेक्ट किया तो उसके थ्रू लॉग एनालिसिस के लिए हम लोग वायरशार्क भी टूल यूज करते हैं, तो उसके बारे में वायरशार्क का वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी डाल चुका है वहां पे, तो वहां से भी देख सकते हैं किस तरह से वायरशार्क को यूज करते हैं।
ये एनालॉग एनालिसिस टूल्स आपको हो जाता है। उसके बाद हैड यू चेक एनी लॉग्स, इफ यस देन व्हाट यू हैव टू चेक एंड हाउ। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस है, तब तो ये बता सकते हैं कि किस तरह से लॉग चेक करते हैं और कहाँ से देखते हैं, क्या देखते हैं। लेकिन अगर मैं आरएफ इंजीनियर्स की बात करूँ और जो ड्राइव टेस्ट किए हैं या ऑप्टिमाइजेशन जो करते हैं, उनके लिए ये आप बता सकते हैं आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे बोल सकते हैं कि L3 का कॉल टेस्टिंग जो करते हैं, L2 में लेवर में L3 आप ड्राइव टेस्ट करते होंगे, तो टेम्स में L2 और L3 लॉग्स, टेम्स में प्रोब में जो भी टूल्स आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है L2 और L3 लॉग्स का वहाँ पे दिखाता है, लॉग एनालिसिस करते हैं। तो सेम वहीं पर वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही कॉल ड्रॉप से रिलेटेड हो, हैंड ओवर से रिलेटेड आपने लॉग्स कलेक्ट किया है ड्राइव टेस्ट में या प्रोब में, तो उसका जो लॉग्स आपको रन होता है या लॉग प्ले करके आप देख सकते हैं कौन कौन से मैसेज फ्लो होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। कोई एक हैंड ओवर का सिनेरियो ले लीजिए जिसमें एक हैंड ओवर फेल्ड हो रहा है, एक हैंड ओवर सक्सेस हो रहा है, इंटर हैंड ओवर से, इंटर हैंड ओवर से, जो भी आपको एक्सप्लेन करने में ईजी लगे वहां पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके एक और होता है विच सिम यू आर यूजिंग एंड हाउ एंड हु प्रोवाइड्स, मीन कौन कैसे आप टेस्ट कर। अगर मान लिया कि आप ईवी टेस्टिंग कर रहे हैं तो एक उसमें सिम चाहिए, सिम से लेके उसको कनेक्ट करते हैं, तो ये ईवी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमको लैब्स में कहाँ लैब में मिलता है, और ये SSS टीम जो मेरी कंपनी होती है वो प्रोवाइड करती है, उसी के थ्रू हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। तो ईवी टेस्टिंग के लिए तो बहुत ही आसान है जो आप यहाँ से इजिली बता सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अभी तो मैंने नहीं बताया यहाँ वीडियो, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आएंगे तो उसके बारे में और थोड़ा रियल टाइम जो भी क्वेश्चंस होगा उसको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी ही अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।